सब्सक्राइबर भाइयों, तो आज का जो मेरा कंटेंट है ये सैमसंग के स्मार्ट ऐप स्मार्ट थिंग्स ऐप के ऊपर है। ये सैमसंग साउंड बार 990B के लिए ये ऐप बना है, और सैमसंग के बाकी मॉडल के लिए भी ये एप्लीकेशन है। ये ऑफिशियल एप्लीकेशन है, ये गूगल प्ले स्टोर में एप्पल स्टोर में आपको ये आसानी के साथ मिल जाएगा। तो मैं इस ऐप के थ्रू मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये सैमसंग HW990B और इस एप्लीकेशन में कनेक्टिविटी कितना लूज है, कितना कमज़ोर है, मैं ये दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, मैं इसे कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। और हाँ, मैं बता दूँ, ये साउंड बार और बेस और दोनों रियर स्पीकर कनेक्टेड है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ग्रीन लाइट है, कनेक्टेड है राइट वाला रियर स्पीकर, और ये लेफ्ट वाला स्पीकर भी आप देख लीजिए, ये भी कनेक्टेड है, ग्रीन लाइट है इसमें, तो अभी डिसकनेक्टिंग का कोई इशू नहीं है। हम देखते हैं, चलिए स्मार्ट थिंग ऐप जो है ये कितने देरी में कनेक्ट करता है या कनेक्ट कर पाता है या नहीं, मैं आपको दिखा दूँ। कनेक्ट तो नहीं कर पा रहा है, मैं बैक चेक कर लूँ रिमोट से वाईफाई ऑन है कि नहीं। वाईफाई मैंने पहले से ऑन करके रखा था। वाईफाई देख लिए, साउंड बार पे आ गया है, वाईफाई डिसकनेक्टेड, वाईफाई ये देखिए डिस्प्ले पे आ गया है डिसकनेक्टेड, है ना। जबकि ये सैमसंग का जो एप्लीकेशन है स्मार्ट थिंग ऐप, ये मैंने ऑन करके रखा हुआ है और मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख लीजिए, ये मतलब ये इतना थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है सैमसंग का, मैं क्या कहूँ, मैं इससे बहुत परेशान हूँ। ये तो एप्लीकेशन बहुत ही बेकार है, और रूम कैलिब्रेशन का बात तो आप भूल ही जाओ, एप्लीकेशन पहले कनेक्ट हो उसके बाद तो रूम कैलिब्रेशन का बात होगा। पर देख लीजिए ये एप्लीकेशन का हाल, मेरा वाईफाई भी पहले से ऑन है और साउंड बार पे भी मैंने वाईफाई मोड सिलेक्ट किया हुआ है। आपको मैं फिर से दिखा दूँ, ये देखिए वाईफाई ऑन है और डिसकनेक्टेड आ रहा है, जबकि मैंने स्मार्ट थिंग ऐप को ओपन करके रखा हुआ है पहले से, और मैं बार बार क्लोज भी, चलिए मैं फिर क्लोज करता हूँ फिर ओपन करके दिखाता हूँ आपको। मतलब इस टाइप से इशू है। अगर ये साउंड बार और ये मोबाइल, ये स्मार्ट थिंग ऐप अगर कनेक्ट हो जाएगा ना, तो ये जो है यहाँ पे पूरा ग्रीन लाइट आ जाता है यहाँ पे इस वाले ऐप के ऊपर में, इस फोल्डर जैसे इसके ऊपर में, ये देखिए अभी भी ऑफलाइन बता रहा है। मतलब पता नहीं सैमसंग वालों ने क्या सोच के एप्लीकेशन बनाया है, मेरे तो कुछ पढ़ने ही नहीं पड़ता। ऐसा है ये एप्लीकेशन, देख लीजिए, स्कैन यूअर क्यूआर कोड, क्या है बकवास, ये देख लीजिए। ऐसा है स्मार्ट थिंग ऐप सैमसंग का। अब जब भी आप सैमसंग का कोई प्रोडक्ट लेने जाओगे तो सैमसंग वाले बड़े शान से कहते हैं कि हमारे टीवी में, हमारे साउंड बार में एक स्मार्ट एप्लीकेशन आता है, आप वो कनेक्ट कीजिए, इसके थ्रू आप रूम का कैलिब्रेशन कर सकते हैं, टीवी को कनेक्ट कर सकते हैं, बाकी एप्लीकेशन सैमसंग के जो भी हैं, टीवी फ्रिज सब कुछ कनेक्ट कर सकते हैं।
ये क्या है, ये क्या बकवास एप्लीकेशन है, देख रहे हैं आप? मैं फिर से दिखा दूं, वाईफाई ऑन है फिर भी डिसकनेक्टेड बता रहा है। स्मार्ट थिंग ऐप ऑन है और मेरे मोबाइल से वाईफाई भी ऑन है, डाटा भी ऑन है। और दिखा दूँ रियर स्पीकर का फिर से हाल, रियर स्पीकर भी कनेक्टेड है, ग्रीन लाइट है, इसमें भी ग्रीन लाइट है। और देख लीजिए एप्लीकेशन को, ऐसा है सैमसंग का स्मार्ट थिंग ऐप। मतलब क्या मजाक है यार, आप 1,90,000 1,00,000 का साउंड बार ले लेते हैं होम थिएटर, है ना, और आपको ये सब झेलने को मिलता है। मतलब पैसे भी दो टेंशन भी लो, इससे अच्छा तो कुछ लो ही मत, सैमसंग का आपको कुछ लेना ही नहीं चाहिए। अरे क्या क्या जरूरत है यार ये सब होम थिएटर साउंड बार में ये सब एप्लीकेशन देने का, मतलब इससे होगा क्या बताओ? अरे जो भी देना है भाई कंपनी को साउंड बार पे देना चाहिए, 11 पॉइंट बना रहा है, 9.1 बना रहा है, जो भी बनाना है बनाए, जो भी देना है चिपसेट दे। ये सब क्या चोचला गिरी है, मोबाइल में एप्लीकेशन दे रहे हैं दुनिया भर का, और ऊपर से ये देखिए कनेक्ट डिसकनेक्टिंग का इशू, और ऊपर से ये वाला ये प्रॉब्लम, ये स्मार्ट थिंग ऐप में ये चोचला। मेरा तो गुस्सा सातवें आसमान पे चला गया है सैमसंग को लेके। ये देखिए कनेक्ट होने का कोशिश करता है ये मोबाइल एप्लीकेशन ये जो भी है, फिर डिसकनेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिक, देखिएगा। हाँ मैं फिर से एक बार बंद करके चालू कर रहा हूँ। ये देखिए एक बार ब्लिंक करता है ग्रीन लाइट पूरे डिस्प्ले पे, फिर डिसकनेक्ट हो जाता है। फिर से दिखा दूँ, मैं तो बोलता हूँ आपको अगर कुछ भी नया टीवी या नया साउंड बार या कुछ भी लेना हो, और ख़ास करके साउंड बार जो मेरे एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं तो आपको सैमसंग से दूर ही रहने की बात करूँगा। आपको जाना है तो LG पे जाइए, पैनासोनिक जाइए, सोनी पे जाइए, और उससे अच्छा ज़्यादा बजट है तो बड़ा बड़ा आता है डेनोन का रिसीवर, यामाहा का साउंड बार, वो सब लीजिए। अरे 1,00,000 रुपये में क्या मजाक हो रहा है यार यहाँ पे, तो मतलब कुछ भी चिपका दे रहे हैं कंपनी वाले, कुछ भी बना के। देखिए ना अभी भी डिसकनेक्टेड आ रहा है डिस्प्ले पे, देख लीजिए। ठीक है भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।